आज की इस नए वीडियो में मैं अच्छा आचार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चिन्हों पर आधारित सवाल सॉल्व करेंगे। देखना इसमें जैसे कि नियम है, इसका याद रखना नियम से नियम होता है, ये याद रखना माइनस माइनस है, ध्यान से देखना। दूसरा ऐसे हो गया माइनस प्लस, तीसरा प्लस माइनस, चौथा प्लस प्लस। देखो ज्यादातर समस्या चिन्ह में ही होता है। अगर गणित क्या है, गणित में ज्यादातर समस्या किसमें होता है, चिन्ह के वजह से ही। एक माइनस पूरा कहते हैं समीकरण बिगाड़ देता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए इस वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख रहे यहाँ पर चार प्रकार का चिन्ह है, यहाँ पर देखना यहाँ क्या है, चार प्रकार नियम इसका। देखो माइनस माइनस है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। अब देखना इस पर सवाल किस प्रकार आता है, तो सबसे पहले यह समझ लेना। देखो इसमें क्या समझ में आता है, इसे आधारित सवाल देखना। जैसे कि सवाल हम समझेंगे इसी में, जैसे पहला पर आधारित सवाल जैसे लेते हैं, मान लो लिखा है माइनस दो माइनस तीन, और लिखा है माइनस दो प्लस तीन, और लिखा है यहां पर प्लस दो माइनस तीन, और ये लिखा है दो प्लस तीन। अब ध्यान से समझना इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो देखना यहां पर देखो इन दोनों में माइनस है, ये क्या हो गया माइनस माइनस है दोनों में। यहां पर देखो पहला माइनस माइनस दो, दूसरा प्लस तो प्लस तीन, यहां पर देखो प्लस है, याद रखना सामने में कुछ नहीं होता मतलब क्या रहता है प्लस, कुछ नहीं है मतलब वहां क्या रहता है प्लस। अब देखो ये दोनों प्लस है, यहां पर देखो प्लस दो प्लस तीन, यहां कुछ नहीं मतलब प्लस। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत आसानी समझ में आएगा। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, तो याद रखना देखो ये क्या है समान चिन्ह है, याद रखना ये क्या है समान चिन्ह। देखो माइनस माइनस एक जैसे है ना, जो एक जैसे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं समान चिन्ह। तो यहां आपको नियम याद रखना है, पहला नियम याद रखना, यहां रूल पहला समान चिन्ह याद रखना, समान चिन्ह क्या होता है जुड़ता है, याद रखना समान चिन्ह जुड़ता है, यहां से जुड़ना मतलब क्या होता है प्लस। दूसरा याद रखना असमान चिन्ह, देखो जैसे इसमें क्या है माइनस प्लस, असमान मतलब अलग अलग है, तो अलग अलग क्या हो जाएगा असमान चिन्ह घटता है, और घटना मतलब क्या हो जाएगा माइनस। और तीसरा नियम है बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होता है लगता है। इस नियम को आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लिए, तीनों नियम को आपसे कभी भी ये माइनस प्लस में समस्या नहीं होगा, और बहुत आसानी से आपसे गणित बन जाएगा। देखो पहला नियम क्या है समान चिन्ह जुड़ता है, और दूसरा क्या है असमान चिन्ह घटता है, और तीसरा क्या है बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। अब देखो यहां से किस नियम के हिसाब से समान चिन्ह जुड़ता है, तो देखो ये दोनों क्या है माइनस माइनस, समान चिन्ह है तो पहले आप समान समान को देखो, देखो समान मतलब एक जैसे है ना, ये क्या हो गया समान चिन्ह, ये क्या हो गया समान चिन्ह, तो समान चिन्ह है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर हुआ, ये देखो एक माइनस एक प्लस, ये क्या हो गया असमान चिन्ह, असमान चिन्ह मतलब क्या हो गया अलग अलग, तो अलग अलग है तो क्या बताया असमान चिन्ह मतलब क्या हो गया माइनस। फिर देखना ये देखो प्लस माइनस, फिर से ये क्या है असमान चिन्ह, असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह मतलब क्या हो जाएगा माइनस। ये देखो प्लस प्लस दोनों समान है ना एक जैसे, ये क्या हो गया समान चिन्ह, तो समान चिन्ह हो गया इसलिए क्या हो गया प्लस। तो याद रखना समान चिन्ह जुड़ता है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी समझ में आएगा। देखो माइनस दो माइनस तीन समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह जुड़ता है, एकदम अपने दिमाग में बैठा लो समान चिन्ह जुड़ता है। तो यहां देखो माइनस है बीच में करके घटाना नहीं है, ज्यादातर बच्चे बीच में माइनस आता है तो घटाए थे, घटाना नहीं है, यहां भी माइनस दोनों समान है तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो तीन और दो कितना हो जाएगा पांच। घटाने के बाद हमेशा याद रखना, या फिर जोड़ो या घटाओ हमेशा याद रखना इसमें, देखो समान चिन्ह जुड़ता है इसके बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। देखो तीसरा नियम, तो बड़ा कौन तीन बड़ा की दो, तीन तीन बड़ा है सामने में क्या है माइनस, तो सामने में क्या लगा देना
माइनस। दूसरा देखना क्या लिखा है, माइनस टू प्लस थ्री। अब देखो ये माइनस ये प्लस असमान चिन्ह है, दूसरा नियम बताया था, तो असमान चिन्ह घटता है, तो असमान चिन्ह घटेगा, तो तीन में से दो गया एक। ध्यान देना इसमें स्पेशली, तीन में से दो गया एक, घटाने के बाद हमेशा याद रखना बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, तो देखो बड़ा तीन बड़ा की दो तो तीन, तो तीन के सामने क्या है प्लस, चिन्ह पर अच्छे ध्यान देना, तीन के सामने क्या है प्लस, तो यहाँ क्या लगेगा प्लस, लेकिन प्लस को लिखते नहीं है, अभी चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर हुआ, यहाँ देखो प्लस वन लिखो या केवल वन लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तीसरा देखना क्या लिखा है, देखना ध्यान से, देखो सेम सेम है सब, लेकिन यहां देखो अभी प्लस दो है और ये माइनस तीन है। अब देखो असमान चिन्ह, देखो ये प्लस ये माइनस अलग अलग है, तो असमान चिन्ह घटता है, तो तीन में से दो गया एक। अब ध्यान देना तीन बड़ा की दो, घटाने के बाद हमेशा चिन्ह को देखना बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, तो तीन बड़ा की दो तो तीन, तीन के सामने क्या है माइनस, तो तीन के सामने क्या लगा देना माइनस। इसमें और इसमें अंतर देख लो, ध्यान से देख लो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर तीन बड़ा था इसलिए यहां प्लस आ गया, यहां तीन बड़ा है इसलिए क्या आ गया माइनस आ गया। लास्ट देखना ये तो प्लस प्लस है, तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो तीन और दो पांच, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तीन बड़ा है इसलिए प्लस, तो प्लस पांच लिखो या केवल पांच लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ज्यादातर आपको ध्यान इस पे देना है स्पेशली, क्लियर है, तीन तीनों नियम को आप रट लो, एकदम समान चिन्ह जुड़ता है, असमान चिन्ह घटता है, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, आपको बहुत आसानी से एकदम कभी भी चिन्हों पर आपको कोई समस्या नहीं होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।